की तस्वीरें मूसेवाला की हत्या से कुछ वक्त पहले हरियाणा के फतेहाबाद और पंजाब के सरदूलगढ़ के बीच स्थित एक पेट्रोल पंप की है, जहां पर ये संदिग्ध हमलावर पेट्रोल पंप पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपनी बुलारो कार में ईंधन डलवा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पहली बार बुलारो कार में सवार संदिग्ध हमलावरों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें मूसेवाला की हत्या से कुछ वक्त पहले हरियाणा के फतेहाबाद और पंजाब के सरदूलगढ़ के बीच स्थित एक पेट्रोल पंप की है, जहां पर ये संदिग्ध हमलावर पेट्रोल पंप पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपनी बुलारो कार में ईंधन डलवा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि ये वही बुलारो कार है जिसका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान किया गया। पुलिस ने पहले फतेहाबाद के बिस्ला गांव में सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी, जिसमें यही कार कथित तौर पर ईंधन भरवाने के लिए रुकी थी। सर्विलांस कैमरे की नई फुटेज में दिल्ली की नंबर प्लेट वाली सफेद बुलारो कार को पंप पर रोकते हुए देखा जा सकता है। दो शख्स कार से बाहर निकल कर डीजल भरवाते हैं। पुलिस ने इन लोगों की पहचान पर्वत फौजी और ज्योति के रूप में की है। उसका दावा है कि वे दोनों हरियाणा के सोनीपत के कुख्यात अपराधी हैं। अब इनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली थी, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का करीबी सहयोगी है। इस समय गोल्डी बरार कनाडा में है। मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बरार ने एक पोस्ट लिखा था जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।